हाय गाइस, हम लोग कैसे हैं? लाइफली एकेडमिक प्रोसेस में हम लोग का स्वागत है। तो चलिए, केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर हम प्रीवियस अपलोड कर चुके हैं, तो अभी पार्ट टू जो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बेसिकली कोलहाना रांची यूनिवर्सिटी को फोकस करते हुए हम सिलेबस को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो चलिए, जो है उसका प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। क्या है आज पढ़ने वाले केमिकल बॉन्ड? पहले हम बात किए थे कि जो केमिकल बॉन्ड में जो बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के। वंडरवॉल फोर्स जो होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, और एक होता है केमिकल बॉन्ड। जो केमिकल बॉन्ड का जो एनर्जी जो होता है 40 किलो पर जूल से ज़्यादा होता है, जिसके कारण हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में स्टडी करते हैं। आप जो बात होने वाला है, सारा कहानी केमिकल बॉन्ड का ही है। इसको हम थ्री कैटेगरी में इसको स्टडी करते हैं। केमिकल बॉन्ड को थ्री कैटेगरी दे आर थ्री कैटेगरी में स्टडी करते हैं। आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या क्या है? आयोनिक बॉन्ड पहला, दूसरा है कोवलेंट बॉन्ड, और तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको हम लोग डेरिवेटिव बॉन्ड भी कहा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग का जो बेसिकली जो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ना है, ये दो पढ़ना है कि आयनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड, ये दो पढ़ना है। ये जो पढ़ेंगे हम लोग कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में पढ़ेंगे, जो आप लोग का नेक्स्ट सेमेस्टर में हम बताएंगे कहाँ पर है। तो चलिए, जो लेकिन उसका बेसिकली जानेंगे कैसे फॉर्मेशन होता है, उसका प्रॉपर्टीज के हम केमिकल बॉन्डिंग में उसको स्टडी करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो आयनिक बॉन्ड है, तो आयनिक बॉन्ड है, तो आयनिक बॉन्ड क्या है हम आपको समझा देते हैं कि दो एटम लेते हैं, दो एटम में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है किस तरीके का होता है, जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, दिस टाइप बॉन्ड फॉर्मेशन इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। चलिए उसको हम डेफिनेशन के तौर पर समझते हैं। तो चलिए, क्या है बॉन्ड फॉर बिटवीन टू एटम, जो हम बात बताइए, जो बॉन्ड फॉर बिटवीन टू एटम के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ठीक है, ड्यू टू द कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन का कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाएगा दो एटम के बीच, इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड, उसी को आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल के लिए सोडियम एटम को जब हम उसके इलेक्ट्रो कॉन्फिगरेशन के तौर पर उसको दिखाते हैं, इलेक्ट्रो कॉन्फिगरेशन